हेलो दोस्तों, बाग सी में दो दो प्रश्न होंगे, इनमें से एक आपको करना है। हम यहाँ सुविधा के लिए दोनों प्रश्न सरल करेंगे। ये 3 नंबर का होता है। सदिश ए प्लस बी और ए माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बराबर दे रखा आई के प्लस जे के प्लस के कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप। ये हमें फॉर्मूला पता है कि भाई ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा एन कैप, एकांक सदिश। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल उन दोनों सदिशों के लंबवत होता है। इकाई सदिश ज्ञात करने हेतु उस सदिश के मापांक का भाग दे देंगे। तो देखो, यहाँ से इकाई सदिश के लिए क्या करेंगे, एन कैप बराबर ए क्रॉस बी और इसके क्या करेंगे, मापांक का भाग दे देंगे ए क्रॉस बी। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात करेंगे। तो ये ए की वैल्यू दे रखी है, ये बी की वैल्यू दे रखी है। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के कैप, इनको जोड़ दिया मतलब। इसी प्रकार ए कैप में से बी कैप को घटा देंगे, तो देखो आई के प्लस जे के प्लस के कैप माइनस क्या करेंगे, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप। तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, इसको सारणिक से करेंगे। तो आई जे के लिख दिया और इन दोनों ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू लिखेंगे, तो 2, 3, 4 और 0 माइनस 1 माइनस 2। इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छुपा लेंगे, इनको तिरछा गुणा कर देंगे। ये देखो, तो ये हो गया माइनस का 6 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 4। इसी प्रकार माइनस जे करेंगे, माइनस जे में इस स्तंभ को इस पंक्ति को छुपा लेंगे, तो ये हो गया माइनस 4 माइनस 0। ये देखो, इसी प्रकार के में क्या करेंगे, इस स्तंभ को इस पंक्ति को छुपा लेंगे, तो ये हो गया माइनस 2 माइनस 0। ये आ गया। जब इसको सरल करेंगे तो ये क्या हो गया, देखो माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करेंगे। इकाई सदिश के लिए क्या करेंगे, देखो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, वो क्या आया था, माइनस 2 आई के प्लस 4 जे के माइनस 2 के कैप। अब इसका हम क्या करेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो आई का गुणांक माइनस 2 का वर्ग, इसी प्रकार जे का गुणांक 4 का वर्ग और के का गुणांक माइनस 2 का वर्ग, इस पूरे का वर्गमूल ले लेंगे अंडर रूट। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 24। अब हमें ये पता है कि एन के बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी का मॉडुलस, ये सूत्र लगा दिया। तो एन के बराबर, देखो इसकी वैल्यू तो ये रही, यहाँ से रख दी माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के, मॉडुलस की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट 24 बट्टा अंडर रूट 24 कर दिया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, एन कैप बराबर माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप बट्टा अंडर रूट 24, ये सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।